वेल न्यूअर्स आ रहे हैं तो नया साल आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं, कोई रेजोल्यूशंस भी बनाते हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं रेजोल्यूशन में बिलीव नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपको कुछ करना है तो वो अभी करना है, उसके लिए न्यू ईयर के लिए क्यों वेट करना कि भाई न्यू ईयर आएगा तो मैं ये करूँगा, न्यू ईयर आएगा तो मैं वो लूँगा। नहीं, अरे जो करना है अभी करो, व्हाट इज न्यू ईयर? और सच सच बताऊँ तो न्यू ईयर ऑफकोर्स येस द कैलेंडर ईयर इज अ न्यू ईयर, लेकिन हमारे लिए न्यू ईयर तो दिवाली के बाद होता है, गुड़ी पाड़वा पे होता है, बहुत सारे न्यू ईयर होते हैं, बैसाखी पे होता है, ये सब है हमारे लिए न्यू ईयर। ऑफकोर्स ईयर एंड हुआ, नया साल शुरू हुआ, वो डेफिनेटली कैलेंडर न्यू ईयर है, बाकी नया साल तो हमारा त्योहारों पे। बिल्कुल। एंड कुछ विशेस अपने फैंस को? यस, आई वुड लाइक टू विश एवरीवन अ मेरी क्रिसमस सबसे पहले पहले, एंड अ हैप्पी न्यू ईयर, बी सेफ एंड एंजॉय लाइफ। मायापुरी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, यानी कि निशांत मलकानी की तरफ से, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू एंड ट्राई टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। न्यू ईयर आ रहे हो, न्यू ईयर पे कुछ विशेस अगर देना चाहें आप फैंस को, मायापुरी के सभी दर्शकों को? मायापुरी के सभी दर्शकों को 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वैसे तो हमारा न्यू ईयर हो गया दिवाली में, पर I wish you all a great Gregorian New Year and I hope you'll have a fantastic year ahead. Hi everybody, this is Arav Chaudhary wishing you all and all the listeners, viewers and readers of Mayapuri a very very happy New Year. God bless you. Jai Shri Ram. Well, New Year aa rahe hai to kis tarah se aap celebrate karte hai, kuch planning rehte hai karan accordingly aur koi resolutions bhi banate hai, aap kya kuch share karna chahenge about you? Main bas shooting karta rahunga aur puri koshish karunga ki aap tak acche entertaining episodes pahuncha sakun, और यही मेरी रेजोल्यूशन भी है कि मैं सब पूरी ज़िंदगी करता रहूँ। वेल अपने फैंस को कुछ न्यू ईयर विशेज अगर देना चाहे करें? वेल मैं सबको कहूँगा कि हैव अ गुड गुड न्यू ईयर, हैव अ हैप्पी न्यू ईयर, और जो जो चीज़ें करना चाहते हैं प्लान बनाइए और करना स्टार्ट कीजिए। न्यू ईयर आ रहे हैं, आप दोनों के कुछ प्लान हैं और क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी लोग रखते हैं, किस तरह से आप न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं बताओ, क्या प्लान बनाया है तुमने? मैं इनसे ज्यादा सोऊंगी। हम इनसे ज्यादा सोएंगे? नहीं, हम तुमसे अधिक सोएंगे। नहीं, तुमसे अधिक तो हम सोएंगे। अच्छा, तुम अभी से सो रही हो? मैं अभी से सो रही हूँ। देखो, हम भी सो रहे हैं। देखो, मैं सो रही हूँ। हमारा प्लान ये है कि हम सिर्फ घर जाएंगे और सो जाएंगे अगर हमें छुट्टी मिलेगी तो, नहीं तो हम शूट ही कर रहे हो। मेरे ख्याल से न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो बनाया इसलिए जाता है ताकि वो पूरा ना हो और दिसंबर में हम वापस बोले कि हाँ यार ये तो बनाया था जनवरी में, हुआ नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करेंगे। जरूर आप सभी को बोलते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, आप सभी को क्या बोलने वाले नव वर्ष की, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सोना चांदी की तरफ से। वेल न्यू ईयर आ रहे हैं तो रिया, आपकी कुछ न्यू ईयर के लिए प्लानिंग होती है, कुछ होता है घूमना फिरना या फिर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी लोग करते हैं, आप कैसे सेलिब्रेट करती है? ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट फीलिंग the new year's celebration, I'm very excited for the next year, but aise kuch maine plan nahi kiya hai, I really want to be with my mother, itna mujhe pata hai, but agar wo nahi ho paya ya agar plan ban gaya, agar mummy busy rahi ya fir friends ke sath ban gaya to, but most of my friends are not in town and everybody shooting, kafi off sa hai, but next year ke liye रेजोल्यूशन सो आई डोंट थिंक आई शुड ट्रस्ट माई सेल्फ। हर साल सोचती हूँ ये करूँगी, कुछ नहीं करती हूँ, जो भी प्लान करती हूँ होता ही नहीं है, तो ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं है, बट हाँ फिटनेस ज़रूर मैं ध्यान में रखूँगी। ओके, ये ईयर कितना स्पेशल रहा आपके लिए? ये ओ माय गॉड, इट वॉज अ रोलर कोस्टर, इट वॉज वेरी स्पेशल, इट वॉज वेरी टफ ऑल्सो, बहुत सारे उतार चढ़ाव तो हम सबके लाइफ में होते हैं, मेरी भी लाइफ में आए, ये साल ने बहुत चेंज किया मुझे एज अ पर्सन, लाइक आउट ऑफ ऑल द ईयर्स ऑफ माय लाइफ आई थिंक दिस वन वाज क्वाइट वर्थ इट, एंड आई थिंक आई वुड ऑलवेज रिमेंबर द ट्रांसफॉर्मेशन, यू नो, सो या बट थैंक्स टू दिस ईयर मुझे बहुत कुछ दिया भी है, बहुत सारे लोग आए गए लाइफ से, बट या
लाइफ चेंजिंग ईयर फॉर मी. ओके, मायापुरी के दर्शकों को न्यू ईयर विशेस आपके फैंस को. एब्सोल्युटली मायापुरी के दर्शकों को, आप सबको हैप्पी 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 न्यू ईयर. एंड आई होप हमारा शो आप देख रहे हैं, आई होप आप सबका अगला साल और बहुत अच्छा और भी ज़्यादा अच्छा हो, और जो भी नेगेटिविटी है ये साल आप पीछे छोड़ दो. सो हैप्पी न्यू ईयर. वेल, न्यू ईयर्स आ रहे हैं तो फिर किस तरह से आपकी प्लान्स होते हैं या फिर कोई रेजोल्यूशंस होते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं इस मोमेंट को आप? रेजोल्यूशन तो हर साल न्यू ईयर पे यही होता है कि पिछले साल से थोड़ा बेटर वर्जन बने एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बींग. फिटनेस पे मैं बहुत ध्यान देती हूँ, तो और बेटर, बहुत ज़्यादा वो और बेटर हो मेरा. एक भी दिन मैं अपना योगा मिस ना करूँ, ये मेरा रेजोल्यूशन होता है, और वाहेगुरु की मेहर से मैं उसको पूरा भी कर लेती हूँ. तो इस साल भी वही होगा. और मनाने का ये है कि अगर तो शूट पे होते हैं तो फिर तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन शूट पे नहीं भी होते हैं तो मोस्टली मैं अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ वक्त बिताना पसंद करती हूँ. मायापुरी के दर्शकों को, आपके फैंस को जरूर. अरे डेफिनेटली जी, मायापुरी के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी और गुड हेल्थ लेके आए आप सबके लिए, और आप ऐसे एंटरटेन होते रहे हमसे. थैंक यू. ही इज विशिंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ मायापुरी अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी क्रिसमस.